अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। सुबह सुबह जो है फजर की नमाज के बाद जो है नाश्ते की तैयारी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। साथी भी आए हुए माशाल्लाह, सबको नाश्ता कराएंगे इंशाल्लाह। तो चाय रखी हुई चूल्हे पे इंशाल्लाह, चाय को जैसे ही पक जाएगी इंशाल्लाह तो साथी को पेश कर देंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह चाय हो गई है रेडी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से। अभी जो है इसको निकालेंगे इंशाल्लाह और साथियों को जो है पेश करेंगे। अभी जो है अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ते से फारिग हो गए और अभी रेडी भी हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अभी निकलेंगे ऑफिस के लिए ना। बहुत सारे भाइयों को पता होगा जो सऊदी अरब में रहने वाले हैं कि जो है पहले जो भी यहाँ कोरोना की सिचुएशन अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब में अच्छी हो गई थी, तो यहाँ जो गवर्नमेंट ने जो है मास्क की आपको आज़ादी दे दी थी। मतलब अगर आप आउटसाइड हैं, रोड वगैरह पे हैं, आप कहीं वॉक कर रहे हैं, पार्क में हैं, कहीं भी हैं, तो आपकी मर्जी है। मतलब आपको आज़ादी थी कि आप मास्क को लगाएं या ना लगाएं, या मतलब डिपेंड ऑन यू था, मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता था। लेकिन अब दोबारा से जो कोरोना की सिचुएशन ज़रा सी जो है ज़्यादा केसेस हो गए कोरोना के, इस वजह से जो गवर्नमेंट ने दोबारा जो है मास्क को आपको मैंडेटरी, यानी आपको मुस्तकिल जो है मास्क को वेयर करना है ना, अदरवाइज जो है आपको मुखालफा लगेगा ना। तो हम भी जो है गाड़ी तक जो है मास्क के साथ जाएंगे। फिर गाड़ी के अंदर जो है अकेले हैं, आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अकेले अगर आप वेयर मतलब गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, इंशाल्लाह हमारे साथ रहिएगा। निकलते हुए जैसा मैंने आपको बताया कि दुआओं का एहतमाम जो है बेहद ज़रूरी है ना, इंशाल्लाह जो हम हर मौके महल की, यानी जितनी भी दुआओं का जो भी अमल करने जा रहे हैं, मिसाल तौर पर घर पे घर से बाहर निकल रहे हैं, गाड़ी के अंदर जो है सफ़र कर रहे हैं, बैतुलखला जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं, जितनी भी मौके महल की दुआएं हैं सबका एहतमाम करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी हिफाजत भी करेंगे और हमें इसका बड़ा चढ़ाकर अजर भी देंगे ना। तो घर से बाहर के निकलने की दुआ है बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मैं बस घर से ना इंशाल्लाह तो ओके साथ। ये हमारी बिल्डिंग, इतने सारे नीचे दो फ्लैट है, ऊपर दो फ्लैट है ना, ग्राउंड प्लस फर्स्ट है, दो दो फ्लैट है ना, ग्राउंड प्लस फर्स्ट है ना, दो दो फ्लैट है बस। और ये बिल्डिंग से मुतसिल जो है अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा लोगों की ख्वाहिश होती है कि मस्जिद जो है घर के करीब हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने वो ख्वाहिश भी पूरी की है कि मस्जिद जो है घर के करीब ही है। ये देखें, ये मस्जिद उमर बिन अब्दुल अजीज ना, सारे इज्तिमात ईदगाह के जो है, जुम्मा के जो है सारे इज्तिमात, नमाज जनाजा के सारे इज्तिमात माशाल्लाह इसी मस्जिद में होते हैं। और ये जो है हमारी गाड़ी है, ये गाड़ी है हमारी, देखें 4x2 2700 cc। अभी जो है बस ऑफिस को डायरेक्ट निकलेंगे इंशाल्लाह, और रास्ते में जो जो चीज़ें देखने को मिलेंगी इंशाल्लाह वो देखिएगा आप, जो जो चीज़ें आएंगी वो दिखाएंगे इंशाल्लाह आपको, तो हमारे साथ रहिएगा। जैसा कि बताया आपको, अगर गाड़ी में आप अकेले, जैसे मैं अकेले ट्रैवल कर रहा हूँ, तो गाड़ी में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई इशू नहीं है कि आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं तो मास्क वेयर करें ना करें, आपकी मर्जी है, क्योंकि गाड़ी चारों तरफ से बंद है ना और आप अकेले हैं ना, अकेले ड्राइव कर रहे हैं ना। सफर की दुआ पढ़ लेंगे, सुभानल्लज़ी सखर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुकरिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनकलिबून। तो जैसा व्यूअर्स, जैसा मैंने बताया पहले कि जितना हम दुआओं का एहतमाम करेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है उतनी हमारी हिफाजत फरमाएंगे ना इंशाल्लाह। तो बहुत दफ़ा होता है कि हम जो है किसी अल्लाह ताला हमें किसी मुसीबत से बचा लेता है ना, रोड पे हमें यकीन नहीं होता यार कि मैं यहाँ से कैसे बच गया ना, अगर मेरी गाड़ी जो अल्लाह ना करे ऐसी हो जाती तो वैसा हो जाता। तो ये क्या है, ये दुआओं की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी हिफाजत फरमाते हैं। जितना भी हो सके दुआओं का एहतमाम करें, जितनी दुआ आपको याद हो, जितनी नहीं आती हो उसको याद करने की कोशिश करें इंशाल्लाह। अब यहाँ से हम थोड़ा सा सीधा आगे जाएंगे, ये राइट साइड पे देखिए मेरी बिल्डिंग है जो मैंने अभी आपको दिखाई, और ये अभी यहाँ से थोड़ा सा आगे जाएंगे आपको अभी दिखाते हैं। यहाँ पे जो है तीन चार जो है तीन पाकिस्तानी होटल हैं, एक दिल्ली का होटल है दिल्ली सिक्स के नाम से ना, वो अभी आपको नज़र आएगा देखिएगा। ये देखें मेरे लेफ्ट साइड पे अपना होटल है, और उससे थोड़ा सा आगे गए तो ये दिल्ली सिक्स होटल आ जाता है, उसके साथ में गोश्त की दुकान है, और फिर जो है थोड़ा सा और आगे जाएंगे
तो ये बकाला है ना, यहाँ पे जो जनरल स्टोर को बकाला कहते हैं ना, उसके साथ ही देखें ये फिर पाकिस्तानी होटल है और बार बार शॉप्स हैं, मतलब ये एक और पाकिस्तानी राइट साइड पे होटल है। ये जो फ्रंट साइड जो मैं आपको दिखाया मस्जिद का, ये पूरा उसका बैक साइड की बाउंड्री है ना। राउंड अबाउट वालों को रास्ता देना आपने, पहले जो राउंड में एंटर हो गया उसको उसकी प्रायोरिटी है ना, अदरवाइज अगर आपने गड़बड़ की तो आपको जो है फाइन आ जाएगा ना। तो जितने भी राउंड में पहले एंटर हो गए उनको आपने पहले रास्ता देना है ना। एक्सप्रेस वे में एंटर हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नॉर्मली जो है यहाँ पे तीन ट्रैक होते हैं, एक जो है सबसे राइट साइड ट्रैक जो हैवी व्हीकल्स के लिए है, सेंटर ट्रैक जो है लाइट व्हीकल्स और स्लो चलने वालों के लिए, सेंटर वाला जिसपे हम अभी चल रहे हैं ना, और एक जो है लेफ्ट साइड पे है मेरे, वो जो है लाइट व्हीकल और स्पीड से चलने वालों की ना, अगर जितनी भी स्पीड है हाईवे की ना 110 है तो आप 110 पे जो है स्पीड से जा सकते हैं ना, 120 है तो 120 की स्पीड से जा सकते हैं, जितनी भी स्पीड होगी आप उसी स्पीड से, फुल स्पीड से जो उसकी स्पीड होगी रोड की उस स्पीड से जा सकते हैं ना। आप सेंटर वाले ट्रैक में जितना भी स्लो चलाएं, 80 पे चलाएं, 90 पे, 90 की स्पीड पे चलाएं तो कोई आपको परेशान नहीं करेगा, लेकिन अगर आप लेफ्ट साइड जो ये जो गाड़ी आप देखेंगे व्हाइट वाली जा रही है, अगर लेफ्ट साइड वाले ट्रैक के ऊपर जो है आप बिल्कुल स्लो चलाएंगे 80, 90 की स्पीड पे तो लोग आपको बहुत परेशान करेंगे ना कि रास्ता दे बोल के ना। जैसे आप देखेंगे ये देखें हैवी व्हीकल जा रहा है ये राइट साइड पे ना, ये हैवी व्हीकल जो ट्रक जा रहा है, ये जो कंक्रीट का ट्रक है ये राइट साइड पे जा रहा है, देखें आपके तो बाकी जो है व्हीकल्स देखें लाइट व्हीकल्स वो सेंटर और राइट साइड। आपको जो बिल्डिंग नजर आ रही है इसी बिल्डिंग पर जो है मेरी ड्यूटी लगी हुई है, आप करीब करीब जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको सही सही विजिबल नजर आएंगे ना। अभी तो थोड़ा सा फोग जैसा हुआ हुआ है आज, वेदर जो है ना थोड़ी सी फोग जैसी है, आप नियर जाएंगे तो आपको नजर आएगा ना। अभी आप देखते रहिए, अभी देखते रहिए, ये ब्रिज के ऊपर चढ़े हम और ये ब्रिज से डाउन हुए, ब्रिज के ऊपर चढ़े और ये अभी देखते रहिए, आपको अभी जो है करीब जाऊंगा तो आपको बिल्कुल क्लियर नजर आएगा। ये देखिए अभी नजर आएगा और जब मैं और इसके करीब जाऊंगा ना आपको फिर एकदम क्लियर नजर आएगा, अभी जो है आपको क्लियर नजर आएगा। देखिए इसी बिल्डिंग के ऊपर ड्यूटी है, सबसे ऊंची बिल्डिंग जो आपको नजर आ रही है टावर है, उसके साथ पे भी टावर है लेकिन वो छोटे टावर है, और जो नीचे का एरिया है बिल्कुल जो व्हाइट आपको नजर आ रहे हैं वो जो है कार पार्किंग बिल्डिंग है। ये पूरी कार पार्किंग है यहाँ स्टार्ट से लेके ना एंड तक, पूरी कार पार्किंग बिल्डिंग है, देखें ये जो चल रही है साथ साथ हमारे ये कार पार्किंग बिल्डिंग है ना, ये पूरी ये लास्ट तक ये अभी आएगा इसका एंड, ये आ गया इसका एंड, ये यहाँ तक कार पार्किंग है ना, और ये पूरी साइड है, ये देखिए अब हमारा आएगा ऑफिस, अभी आपको दिखाएंगे हमारा साइड ऑफिस जो आने वाला है, भी आएगा हमारा साइट ऑफिस ये अंदर आने के बाद जो है। अभी यहां से एंटर होंगे हम और यहाँ पे हमारा जो है साइट ऑफिस है ना। सबसे पहले तो ढूंढनी है पार्किंग और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पार्किंग नजर आ गई है। ऑफिस पहुंच गए अभी ना, साइड ऑफिस दिखाएंगे आपको जो है अंदर से भी दिखाएंगे अभी ऑफिस। और आप हैं हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर साहब मोहम्मद सलाउद्दीन भाई।
ऑलवेज बिजी भाई। कैसे है सलाउद्दीन भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है, सब खैरियत से। इंडिया से हमारे भाई का ताल्लुक है हैदराबाद से। क्या बनेगा? मेरा नाम फैसल है, मैं आज इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर साबिक बिल्डिंग ज्वाइन किया। ये जो है हमारे अमीन भाई हैं, ये सीनियर एचएससी ऑफिसर। क्या अमीन भाई, अपना इंट्रोडक्शन कराएं। माय नेम इज अमीन मुख्तार, आई एम हियर फॉर दिस प्रोजेक्ट डीडीसी एज ए सीनियर एचएससी ऑफिसर। माशाल्लाह। आप हमारे मोहम्मद नईम भाई हैं। नईम भाई थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए अपना। भाई एक मैं क्यूसी इंजीनियर हूं मामूली एक प्रोजेक्ट का। मोस्ट सीनियर क्यूसी इंजीनियर है आप हजरत, ऐसा क्यों आप कह रहे हैं? क्यूसी इंजीनियर है जो कि रिक्वायरमेंट है थी बोल के रखे हुए मेरे को, आउट ऑफ ख्वाहिश रखे हुए नहीं है, आउट ऑफ मजबूरी रखे हुए। नहीं नहीं हजरत, हमें पता है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है हजरत। नहीं है पूरे लोग रिक्वायरमेंट पे है, यहाँ पर जो है सब कल्चर की भी रिक्वायरमेंट है, अली की भी है, मेरी भी है, यहाँ पर दूसरे प्रोजेक्ट पे भेज देते ना तो जीता को भेज देते। और भाईजान खाने का क्या आज प्रोग्राम? नहीं मैं बिरयानी खिला रहा हूँ। माशाल्लाह, कौन सी? हैदराबादी? हैदराबादी खिला रहे हैं। दम की बिरयानी माशाल्लाह खिलाने वाले हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं भाई पान तो नहीं मिलता है। जज़ाकुल्लाह खैर। नहीं भाई अल्लाह ताला जज़ाया खैर दे आपको। पान तो नहीं मिलता, नहीं तो पान भी खिलाते थे हम। माशाल्लाह। विल्चर भाई, एम आई राइट? अवर फायर अलार्म प्रोग्रामर मिलचोर भाई, अपना इंट्रोडक्शन दे आप। हाँ जी, माय नेम इज संतोनी मुत्तू, आई एम बेसिकली फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम बैंगलोर। एक्चुअली आई एम मटेरियल कंट्रोलर इन जामिल, लास्ट 7 years आई एम वर्किंग इन जामिल। अच्छा, ये गयूर भाई है फ्रॉम पाकिस्तान, ये मुजफ्फर भाई फ्रॉम इंडिया, ये परवेज भाई वो पीछे। देखने वालों को जो है अपना डिस्क्रिप्शन देना चाहता हूँ। मेरा जो इस प्रोजेक्ट पर जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो सीनियर डिजाइनर फायर प्रोटेक्शन सर्विसेज है। फायर प्रोटेक्शन सर्विसेज जितने भी जो है ड्राइंग से रिलेटेड इश्यूज हैं और साइट पे कोई कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड इश्यूज हैं और साइट पे कुछ रीरूटिंग है, कुछ चेंजिंग है, कुछ डिसीजन है, तो ये सारी चीज़ों को मेरे को हैंडल करना पड़ता है ना। कुछ भी इश्यूज आता है साइट टीम को, कुछ इश्यूज आता है तो मुझे जाके सॉल्व करना पड़ता है ना, तो मेरा रोल यहाँ पे ये है। ये जो है हमारा पूरा मटेरियल है, सामने बिल्डिंग है देखिए, ये पूरा मटेरियल हमारा पड़ा हुआ है, ये गाड़ियाँ हैं हमारी और इसके अंदर सारा मटेरियल मिलेगा। आज स्पेशल रोमान की बिरयानी जो है हमारे नईम भाई स्पॉन्सर किया माशाल्लाह। ये रोमान की स्पेशल बिरयानी बोल रहे हैं लोग। मुझे उम्मीद है कि जो है आज की वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी। मेरे घर से लेकर जो ऑफिस तक की जो एक्टिविटी है, ट्रैवलिंग है, रोड्स हैं, यानी सारी चीज़ें जो मैंने आपको दिखाई हैं, उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। और जो फिर हमारा ऑफिस भी मैंने आपको दिखाया और ऑफिस के अंदर जितना भी स्टाफ है, PM से लेके QC इंजीनियर से लेके, यानी जितना भी हमारा इंजीनियरिंग का साइट कंस्ट्रक्शन का स्टाफ है, हमारे सेफ्टी वाले हैं और जो हमारे लेबर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, सबसे जो है मैंने आपको जो है तारुफ कराया ना, उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन भी दिया। तो मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए जो है आपको करना क्या पड़ेगा, अली व्यूज़ को, जो मेरे चैनल है अली व्यूज़ को, उसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को भी जो है प्रेस करना पड़ेगा, ताकि जितनी भी नए आने वाली वीडियोज़ हैं, मैं जितनी भी वीडियोज़ को अपलोड करूँ वो आपको उसकी इतला मिल जाए ना। और जो है अभी आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर जो है मेरा प्लान ये है कि आपको पूरे जुबेल का टूर कराऊँगा। जुबेल के अंदर कितनी मार्केट्स हैं, कितने मार्केट जो है पिकनिक प्लेसेस हैं, जितनी भी चीज़ें जुबेल से रिलेटेड हैं, जितनी अच्छी चीज़ें रिलेटेड हैं जुबेल से, वो सारी चीज़ें जो मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, हमारे साथ रहेगा। और आज का जो है लास्ट टारगेट, आज का लास्ट टारगेट ये है कि मैंने तकरीबन 3-4 दिन पहले जो है एक सेंटर पॉइंट यहाँ पे कपड़ों की बड़ी मार्केट है, वहाँ से मैंने एक स्वेटर ऑर्डर किया था, तो वो स्वेटर का मुझे मैसेज आ गया है कि आप आके स्वेटर कलेक्ट कर लें, वो उस मार्केट तक आपको लेके जाएंगे और उसके बाद जो है फिर अपने घर की तरफ रवाना हो जाएंगे। हमारे साथ रहिएगा, स्टे ट्यून विद मी गाइस।
तो ले लिए, सेंटर पॉइंट आए थे, सेंटर पॉइंट से शिपमेंट कलेक्ट कर लिए और अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है थोड़ा सा खाना खाएंगे, फिर जो है घर की तारे फिर वादा हुआ होंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जो है अभी रूम पर पहुंच चुके हैं, तो आपसे जो है इजाज़त लेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाऊंगा इंशाल्लाह। हमारे साथ रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। और ये जो है, ये है जो अभी सेंटर पॉइंट से जो हमने लिया है, जो अभी सेंटर पॉइंट से जो परचेज किया है, यही है वो जो स्वेटर लेने गया था सेंटर पॉइंट, तो यही है वो स्वेटर। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़ इंशाल्लाह, साथ में रहिएगा।